हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कोल्ड रूम और कोल्ड रूम के अंदर जो क्या होता है कूलिंग कॉइल, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं कूलिंग कॉइल, इसके पीछे का राज है वो क्या होता है, कैसा दिखता है और ख़राब होने का कैसा लगता है, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी मैं कोल्ड रूम के अंदर हूँ। इसके अंदर आप 10 से 15 आदमी सो सकते हो आराम से, और इसका जो टेम्परेचर होता है करीबन 2 डिग्री हमें चाहिए प्लस में। और इसमें जो सामान रखा जाता है वो भी ऐसा ही सामान रखा जाता है कि जो 2 डिग्री में सही रहे, जैसे कि रसगुल्ला वगैरह जो होते हैं या ब्रेड वगैरह सनेक वगैरह जो भी बनते हैं, इसमें वो सामान रखा जाता है। ठीक है, ओके। तो आइए हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। साथ देखो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कूलिंग कॉइल, जिसका बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो कूलिंग कॉइल है इसका हाल क्या हो रखा है। आप लोग देखकर ये मत समझिएगा कि ये कूड़े का डब्बा है, ये कोल्ड रूम यानी कोल्ड स्टोर का ये कूलिंग कॉइल है। बहुत बुरा हाल है इस बेचारे का, फिर भी चल रहा है। और मैं इसको बता दिया हूँ कि ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये कोल्ड रूम है और ये पूरा एरिया है कोल्ड रूम का। ये देखो, ये डबल पंखे का है, ये देख सकते हैं आप लोग, डबल पंखा लगा हुआ है इसमें। और यहाँ का जो टेम्परेचर चाहिए, जो मेंटेन करना चाहिए, कम से कम 2 प्लस में हमारे जो यहाँ का टेम्परेचर चाहिए। जो अभी बाहर का टेम्परेचर है वो करीबन 36 डिग्री और जो कोल्ड रूम का है अभी है 24 डिग्री। और हमें यहाँ का जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए प्लस में 2 डिग्री। और जो इसका कंप्रेसर है ये काम नहीं कर रहा। ये इसका जो कंप्रेसर है हर 2 दिन में कंप्रेसर को फाड़ रहा है, तो इसका जो कंप्रेसर है वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो आप लोग देख लीजिए, ये अंदर का ये नज़ारा है। ये कोल्ड रूम कुछ इस तरह का होता है, ये छत है कोल्ड रूम का, और ये देखिए पानी का पाइप बाहर से जा रहा है। इधर कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, ये रैक होता है, ये सामान इस पर रखा जाता है। और इसमें आराम से करीबन 5-6 बंदा सो सकता है। किसी को अगर प्लस में रहने की 5 डिग्री में आदत है तो आराम से सो सकता है बंदा। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये कोल्ड रूम। लेकिन ये जो कूलिंग कॉइल है ये इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम जो दूसरा वीडियो है वो बाद में बनाएंगे। जब तक आपको हम कूलिंग कॉइल के अंदर कैसा दिखता है, ठीक है, जो इसका थीम्स है वो आपको दिखाया हूँ, जो बिल्कुल बेकार है ये, और जो कोल्ड रूम अंदर से कैसा होता है वो आपको मैं दिखाया हूँ। ये इसका दरवाज़ा है, ये देखिए इतना बड़ा, जो हमारा घर का होता है जैसा दरवाज़ा, ऐसा दरवाज़ा है। ये बिल्कुल पुराना कोल्ड रूम है, बहुत दिन हो गया ये और अभी तक चल रहा था। मैं सोचा कि उन्होंने इसको अब चेंज करा दिया जाए, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो जब तक के लिए मैं अलविदा होता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है,